अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद इन 69। आज हम छिंदवाड़ी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि घर में भी बनाने में बहुत आसान है और जायके में बिल्कुल बाहर जैसी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन में ऑल पर टिक करें। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं कि छिंदवाड़ी कढ़ाई हमने घर में किस तरह बनाई है। छिंदवाड़ी कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ बीफ मीट लिया है। मीट तकरीबन हाफ के जी है। इसके अलावा 3-4 हड्डियाँ भी ली हैं जिससे जूस बहुत अच्छा सा निकलेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑयल हाफ कप लिया है और ऑयल जब मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको कुछ सेकेंड्स तक पकाएँगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। जब अदरक लहसुन का गच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें मीट डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। मुसलसल इसको मिक्स करके फ्राई करते रहेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ चेंज हो जाएगा। अब हम सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून है। आप अपने जायके के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट डालने के बाद गोश्त से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और हम इसको मुसलसल फ्राई करते रहेंगे। यहाँ हाफ़ के जी बीफ के लिए हमने हाफ के जी ही टमाटर लिया है। टमाटर को हम क्यूब शेप में कट नहीं करेंगे बल्कि इसको हाफ करेंगे। इसके बाद टमाटर को हम गोश्त के ऊपर सेट कर लेंगे और इस तरह सेट करेंगे कि इसके छिलके वाला साइड ऊपर की तरफ हो। टमाटर डालने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे कि ये अपने ही पानी में गल जाए। कवर करने की वजह से टमाटर भाप में अच्छी तरह से गल जाएंगे। 10-15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा के चेक करेंगे। अब टमाटर के छिलके को चिमटे की मदद से हम निकाल लेंगे। अगर क्यूब शेप में कट कर लेते तो इस तरह छिलका निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। यही वजह है कि टमाटर को हाफ शेप में कट करने के बाद हम गोश्त के ऊपर इसकी लेयर बिछा देते हैं। इस तरह टमाटर के सारे छिलके हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब सारे छिलके निकालने के बाद गोश्त को टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान अब हम जो है हरी मिर्ची लेंगे। यहाँ हम मोटी वाली हरी मिर्ची लेंगे और इसको लंबाई में कट कर लेंगे। जिस तरह हमने टमाटर रखा था इसी तरह हम हरी मिर्चें ऊपर रख देंगे। इस तरह कढ़ाई में हरी मिर्चों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाएगा। हरी मिर्चें डालने के बाद अब हम मिक्स कर लेंगे। लाल पिसी मिर्च लेंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। कुटी मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम हल्दी लेंगे और ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। इसके बाद हम जो है पिसा ज़ीरा लेंगे और ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। धनिया है 1 टीस्पून, ये भी पिसा हुआ है। अब इन तमाम अज्जा को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा डालने के बाद अब हम इसको भूनेंगे और इसको गलाने के लिए मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। गोश्त पर डिपेंड करता है कि इसको गलने के लिए कितने पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है। इसमें कुछ हड्डियाँ भी डाली हैं जिसकी वजह से एक अच्छा सा जूस निकल जाएगा जो कि कढ़ाई के जायके को बढ़ा देगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर टिक करें। इस तरह छिंदवाड़ी कढ़ाई हम घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। Thank you.